पूरे देश में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा था, लाखों लोग इससे पीड़ित हुए। अब जाकर कुछ उम्मीद बंधी है। इंदौर में 4 जगहों को वैक्सीन के लिए तैयार किया गया है, जिसकी जांच के लिए WHO के सदस्य डॉक्टर अभिषेक जैन इंदौर आए हैं और इंदौर की तैयारियों से संतुष्ट है। कुछ मामूली परिवर्तन थे जिसको दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ की जानकारी दूसरे शहरों के लिए बड़े काम आएगी। एज ऑफ नाउ हम लोगों ने अभी जस्ट शुरुआत की है, ये देखने के लिए कि कौन कौन सी साइट बननी चाहिए, साइट्स पे क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, कौन से फॉर्मेट यूज़ होने चाहिए और किस तरीके से हमको मॉनिटरिंग करनी है। तो वी आर जस्ट स्टार्टेड द प्लानिंग, ऑल दो मुझे ये पता चला है कि साइट्स जो हैं वो 4 साइट्स क्रिएट की गई हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ हमने सिर्फ हुकुमचंद वाली साइट जो है उसको देखा है और साइट ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत जो भी प्रोटोकॉल थे उसके हिसाब से बनाई थी। कुछ छोटे मोटे परिवर्तन थे तो हमने उन्हें सजेस्ट किए हैं। तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स ने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी और हम भी यहाँ पर एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट के साथ सीखने के लिए आए हैं। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अर्बन है, तो हमारा मकसद यहाँ आने का ये है कि हम देखें कि अर्बन, इतने बड़े अर्बन एरिया को किस तरीके से मैनेज कर रहा है डिस्ट्रिक्ट, किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है। तो जो भी हम इंदौर में सीखेंगे देखेंगे वो पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी अर्बन एरिया होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा।